भाई क्या मस्त चमक रही है ना। सर्विस करवा के ला लियो भाई, सारा कुछ डन है, सिर्फ मैंने क्लच का काम नहीं करवाया। ये देखो भाई, कल तक तो भाई उधर काम हो रही थी, अब आज तो मेरे घर के पास से ही हो रहा है। अब बताओ यार, यहाँ से ये जितना भी देख रहे हो ना, ये पत्थर वगैरह सब मैंने हटाया, इतना सा जगह मैंने बनाया है। ये लोग तो भाई काम करता है और फेंक देता है, बोलने के बाद भी भाई ये लोग काम नहीं। जय महादेव। बोलने के बाद भी भाई ये लोग जो है ना साइड नहीं करता है। चलो कोई नहीं, अभी क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों को। अरे भाई साहब देखो कितना मौसम काला हो रखा है भाई, इधर देखो मौसम पूरी काली है। हाँ भाई, तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एस कुमार आ चुका हूँ फिर से न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो बोलो या ब्लॉग बोल दो। अरे यार फंस गया। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30, और मैं सुबह 6 बजे से लॉगिन हूँ। और फाइनली भाई इन ड्राइवर में हमने लिया है एक राइड, तो जा रहा हूँ अभी को पिक करने के लिए। पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है 4.2 किलोमीटर है। इतनी ज़्यादा कैसे भाई, ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, बट इतना नहीं होना चाहिए। लगभग यहाँ से डेढ़ से पौने 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। चलो पिक करते हैं सेक्टर 5 के लिए। यार बताओ, अभी मैं उठा था, उठ के सूरज देवता को जल दे रहा था, उस समय भाई मैंने देखा कि भाई धूप थी, और अभी देखो यार बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदे शुरू हो चुकी है। क्या यार, एक तो गाड़ी को इतना अच्छा क्लीन करवाया हूँ, ऊपर से ये बारिश, और इतना टाइम के बाद राइड भी कर रहा हूँ, यार मूड ख़राब कर देता है सारा। तो ये डिस्टेंस 4.9 किलोमीटर है, और टाइमिंग दिखा रहा है कुछ 13 मिनट। चलो कंप्लीट करते हैं। बारिश नहीं माना भाई, आखिर बरस के ही दम मारा। यार पास में ही था, 3 किलोमीटर बचा हुआ था, निकल जाता फटाफट से। चलो अभी क्या ही कर सकते हैं, वेट कर लेते हैं। तो गाइस पहली राइड तो हमारी कंप्लीट हो गई भाई, लेकिन भाई भिगा दिया पूरा मेरे को। मैं देखो पूरा गीला हूँ, पूरा पैर वगैरह जूता वगैरह सब गीला हो चुका है। लेकिन पहली राइड, पहला चैलेंज, और पहली राइड में भाई इतना बड़ा, अभी घर जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। 70 का राइड था, 100 रुपीज़ उन्होंने दिया, तो राइड को अभी हम कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई। अब बारिश रुक चुकी है, पहले गीला कर देती है उसके बाद रुकती है, ये भाई बहुत बढ़िया रूल है गवर्नमेंट भगवान जी का, गवर्नमेंट में बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। तो चलो अब हम दूसरी राइड ढूंढते हैं, और अब गीला हूँ तो अब भाई इसी में काम करना पड़ेगा, देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ से आती है। अभी सूरज दादा को देखो भाई, अचानक से क्या हो गया, इतनी धूप। 7:08 हो चुका है, पहली राइड कंप्लीट, ऊपर से नीचे गीला है भाई, अब इसी में काम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट राइड देखते हैं। ये मिल गया 2.9 का भाई ओला में, मात्र 500 पिकअप है, बस कैंसिल ना करे। वही भी, अरे यार देख नहीं पाया, गड्ढे में घुसा दिया। पिकअप कहाँ पर है। हाँ पास में ही है, चलो 500 मीटर जस्ट लेफ्ट लूँगा। इविस होटल से बुकिंग आई हुई है, वो है नवोटल, इसके अपोजिट में ये गैलेरिया हाउस, एंड उसके अपोजिट में भाई मिलेगी इविस होटल। ड्राइवर में माई इनकम में जाओगे ना, एक टारगेट सेट करने का ऑप्शन रहता है, दिन का आप कितना कमाना चाहते हो, वहाँ पे आपको टारगेट ऑप्शन दिखेगा। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, 1400 रुपये हाईएस्ट 6 ऑर्डर प्लस पे, ठीक है। अगर 6 प्लस ऑर्डर करता हूँ तो ये बता रहा है कि 1400 की अर्निंग आपकी हो जाएगी, जिसमें कि मैंने भाई 63 रुपीज़ का अर्निंग लगभग कर लिया है, जिसमें 1330 रुपये अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई कितना क्या अर्निंग हो पाता है। ऐसे तो इन ड्राइवर मैं करता नहीं हूँ ज़्यादातर, जब इमरजेंसी पड़ती है या राइड नहीं मिलती है तभी मैं इन ड्राइवर को यूज़ करता हूँ, और आप लोग को भी ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं है, बस अर्निंग पर्पस के लिए है। अब वो भी इसका अर्निंग और रैपिडो का अर्निंग सेम होता है,
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, कम से कम यूज़ करें। अगर फंसे वगैरह हैं तो भी इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको यूज़ ना करें। 224 ये है 2.8 किलोमीटर का तकदारी रोड, टाइम दिखा रहा है 8 मिनट। चलो कंप्लीट करते हैं। चलो ये हमने 30 का राइड भी कंप्लीट कर दिया है। अपडेट होने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कितना मिला इस पर। ऐसे 44 रुपीज़ की राइड थी, 43 रुपीज़ मिल गया। चलो अपडेट हो गया वो जल्दी, डिस्टेंस 2.9 किलोमीटर। चलो भाई, हमने इन ड्राइवर में लिया, यहाँ पर हमें राइड नहीं मिल रही थी तो सोचा कि खाली जाने से बेटर है कि किसी को ले ही लूँ। तो मिल गया भाई 3.6 किलोमीटर का पिकअप। आई नो कि थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है तो खाली मेरे को जाना ही था उतना दूर, तो उससे बेस्ट था कि हमने किसी को ले लिया। और इसका 47 रुपीस अमाउंट है, ड्रॉप डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ड्रॉप डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर है। चलो कंप्लीट करते हैं। हेलो, चलो ये 3.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट इसको हम शॉर्ट करेंगे 1 किलोमीटर और कंप्लीट करते हैं। इसका टाइमिंग दिखा रहा है 15 मिनट। चलो ये 47 का राइड हो गया कंप्लीट। इन्होंने मेरे को 50 पे किया, 5 स्टार डन। और इसका कितना मिला देख लेता हूँ ज़रा मैं, 42 रुपीज़। राइड मुझे बहुत अच्छी अच्छी राइड मिल रही है, बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ बिकॉज जान रहे हो बारिश के कारण। और एक देखो मैंने अभी उबेर में ले रखा है, लेकिन ये भी भाई कैंसिल होने वाला है। पास से ही पिकअप है और इसका 92 मिल रहा है, 6.7 किलोमीटर ड्रॉप है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते भाई, ये बारिश हमारा हालत ख़राब कर रहा है। देखते हैं भाई क्या होता है, बारिश रुकते ही फिर से काम को कंटिन्यू करते हैं। अगर ये राइड रह गया तो फिर ठीक है, नहीं रह गया तो फिर हम दूसरी राइड का वेट करेंगे। और ओला भी भाई बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट दे रहा है, सेक्टर 5 का में 118 रुपये, 120 रुपये ऐसे दे रहा है। देखो ये राइड कैंसिल हो गई आप लोगों के सामने में, ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते, 9 बज चुका है और हमारा अर्निंग भी कुछ नहीं हुआ है, तो हम बारिश के वेट ही करते हैं। हेलो, उबेर में हमने फिर से सुमित भैया का राइड ले लिया। अभी जस्ट बारिश रुकी है और मैंने तुरंत ही लॉगिन किया। लॉगिन करके गाइस मुझे मिल गया है सुमित भैया का राइड, तो जाता हूँ इनको पिक करने। सेक्टर 5 के 93 रुपीज़ का पेमेंट हमें मिल रहा है, 1.3 पिकअप है। लेट्स गो गाइस। नहीं हम बोले ना लोकेशन के हिसाब से आ रहा है, अभी लोकेशन हुआ पे नहीं दिखा रहा है वो, तो वो उसके चक्कर में मत रहिए आप। मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूँ ना, कोई आता ही नहीं। हाँ वो बात है, ऊपर से रास्ता का काम भी हो रहा है ना। हाँ। इधर से लेंगे क्या, पीछे से घुमा लेते हैं। लेके आता तो फिर आप और नहीं बैठ पाते। तो चलो गाइस, ये है 5.8 किलोमीटर का सेक्टर 5 है। आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा है भाई, हर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है। 101 रुपए का राइड है, भैया ने मेरे को 110 रुपए दिया और 101 कंप्लीट हमने किया 5 स्टार रेटिंग के साथ। बाकी मार्केट अभी भी पूरी ऑरेंज है, मतलब राइड बहुत तगड़ी है। और इसे इसका राइट इस राइट का मुझे मिलता है, दिखाता हूँ आप लोगों को, 88 रुपीज़। चलो ठीक है,
अभी मुझे एक और राइड कंप्लीट करना है जिसका मुझे 30 रुपीज़ इंसेंटिव मिलेगा। गाइस हमने उबेर में फिर से एक राइड ले लिया है। जैसे मैं टेक्नोपोलिस ब्रिज से, मेरा सेक्टर 5 के ब्रिज से निकला हूँ और न्यू टाउन DLF 1 के पास आया और मेरे को भाई मिल गया है एक यात्रागाछी की राइड। तो पिकअप डिस्टेंस देख लेता हूँ कितनी क्या है। यात्रागाछी मतलब हमारा वो जो केशटोपुर वाला खाल वाला रोड है ना, जगतपुर लेन, उसको सीधा में जा करते हैं बोलते हैं यात्रागाछी। तो पिकअप डिस्टेंस 1.5 दिखा रहा है, पिक करते हैं फटाफट से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी सेफ्टी के लिए ना। सेफ्टी छोड़िए, बाल खराब हो गए। अरे वो तो मेरा भी खराब हुआ है तो क्या करूँ। बात करने की पुलिस देख लें। नहीं नहीं, न्यू टाउन पे पहनना पड़ेगा। ओ यार यार ये कितनी ऑसम है यार। MIT यूनिवर्सिटी है क्या? T3 की हमारी राइड हो गई कंप्लीट। यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया सुभाष बोस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। चलो हम निकलते हैं इधर से और इस राइड का हम बताते हैं आप लोगों को कितना क्या मिला है हमें। 30 रुपीज़, अच्छा ये हमारा इंसेंटिव का मिला है और अभी हम दो हम और कर देते तो हमें और मिल जाएगा 20 रुपीज़। तो इस राइड का मुझे अपडेट नहीं दिखाया गया है। 48 रुपीज़ हमें इस राइड का मिला। गाइस हमने इस बीच में ना, अभी टाइम हो रहा है 11:07, इस बीच में हमने टोटल 3 राइड और कर लिए जिसको कि मैंने ऑफ कैमरा रखा है और अभी मेरे को मिला गाइस एक ओला में राइड। तो जा रहा हूँ पिक करने के लिए, जस्ट पास में ही है एक भैया को मैंने ये DLF 1 में यहाँ पर ड्रॉप किया था तो ये यहीं पर कहीं पर है पिकिंग। कॉल भी आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 3.2 किलोमीटर। जस्ट 20 बंगला गेट से मुझे राइट लेना है एंड वहीं पे थोड़ा पास में ही कहीं पे डिलीवर करना है, ड्रॉप करना है, सॉरी गाइस। फ्रेंड अब है टाइम आप लोग को अर्निंग अपडेट बताने की, क्योंकि अब 1:06 बाकी है। मैं लगभग 7-8 किलोमीटर से जो है ना खाली घूमते हुए आ रहा हूँ, राइड मेरे को नहीं मिल रही थी तो मैं सोचा कि आप लोगों को अर्निंग बता देता हूँ और राइड को यहीं पे एंड करता हूँ। तो देखो गाइस 30+8+9 ये जो टोटल है ना +26 ये हमें टोटल आज एक्स्ट्रा मिल अमाउंट है। 30 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 26 रुपये ये सारे जो है हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। आज के दिन सारे कस्टमर बहुत खुश थे हमारे राइड से, इसलिए हमें जो है ना ज़्यादा करके जो है टिप वगैरह मिला है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ अब अर्निंग किस एप्लीकेशन से कितनी हुई है, उबेर से हमने अर्निंग किया है 363 की और ओला से हमने अर्निंग किया है 96 रुपीज़ की और उसके बाद जो बचा हमारा इन ड्राइवर इससे हमने अर्निंग किया 105 रुपये। तो टोटल गाइस टिप लगा करके 637 की हमारी अर्निंग हो रही है और गाड़ी हमने जो चलाया वो 73 किलोमीटर, इसका पेट्रोल कॉस्ट होता है 146 रुपये। तो इसको माइनस करने के बाद गाइस हमें बच रहे हैं 491 रुपये, 491 रुपीज़ हमारी सेविंग हो रही है। मैंने लॉगिन किया था सुबह के 6 बजे से लेकर के अभी 1 बजे मैंने बंद कर दूंगा सारे एप्लीकेशन को। तो इतनी देर हमने काम किया, बाकी राइड बहुत अच्छी थी। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत बढ़िया हमारा अर्निंग हो जाता हमारा सबसे। बारिश ने लगभग 3 से 4 राइड हमारे कैंसिल करवा दिया
जिसके कारण जो है हमने अच्छी अच्छी राइड जो अपने हाथ से खो दिए थे। तो कोई नहीं गाइस, अब हम कल इससे भी बढ़िया ट्राई करेंगे और देखते हैं कल की क्या अर्निंग होने वाली है। लेकिन वेदर अपडेट तो बता रहा है कल भी बारिश है, अब कल के कल हम देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने बंदे लाइक कर देना। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ।